मेरठ के थाना किठोर के ललियाना गांव में एक मकान के कब्जे को लेकर दबंगों ने मकान के ही मालिक और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान हुई चाकूबाजी में एक महिला घायल हो गई, वहीं परिवार के अन्य लोगों की भी चोटें आई। दरअसल ललियाना गांव निवासी संजीता ने बताया कि उसने अपना मकान किसी को किराए पर दिया था। किराएदार ने मकान का फर्जी बेनामा करके गांव के बसपा पार्टी के एक कद्दावर नेता व पूर्व सांसद मुनकाद अली के साले को मकान बेचकर फरार हो गया। जब इसकी जानकारी मकान मालिक को हुई तो वह अपने परिवार सहित उसी मकान में रहने आ गया। पीड़ित महिला संजीता के अनुसार देर रात कुछ दबंग लोग पुलिस के साथ आए और मकान खाली करने को कहने लगे। जब इसका विरोध किया तो पुलिस के सामने उनके परिवार पर हमला किया और जमकर मारपीट की। विरोध करने पर पीड़ित महिला संजीता को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं पुलिस बसपा के कद्दावर नेता मुनकाद अली की शह पर चुप रही और दबंगों को हमला करने से नहीं रोक सकी। तब किसी ने 100 नंबर पर सूचना दी तो अन्य पुलिस के आने के बाद उनकी जान बची। वहीं एसपी देहात का कहना है कि मकान के कब्जे व पैसे के लेन देन को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला के चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पीड़ितों से इस मामले की तहरीर ले ली गई है। जो भी इसमें नामजद हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजीदा, क्या हुआ आपके साथ में? भैया, हमारा घर था, हमने एक को किराए पे दे दिया, तो उसको ये बाबू मुनकाद के संसद के साले, ये उन्होंने वैसा जाली बैनामा कर लिया उससे, किराएदार से। अब वो रातों रात निकल कर भाग गया जाली बैनामा करके। अब फिर हमें पता चला, हम अपने एक महीने से हम अपने मकान में पहुंच गए। अब इन्होंने रात जाए का वहाँ 9 बजे का 9:30 बजे का करीब का टाइम है, कुछ कम 10 बजे का, ये वहाँ पहुँचे, पुलिस से सेटिंग करी, सलमान ने पैसे देकर, पुलिस इनके साथ में थी। इन्होंने हमें मार और पीट, बच्चों को भी फेंका फेंक, बच्चों को मारे, बहुओं को मारी, सबको एक धोरे से हमारा हाल बुरा करा। उसमें फिर इन्होंने मेरे सीने में जो चक्कू मारा, मैंने सीना अपना बचा, एक मारा इधर बाहों पर ले लिया, एक मारा मैंने छुरा इधर बाहों पर ले लिया, और इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा पुलिस के मौजूद हाल पर, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर। तो यहाँ पे आपको पुलिस लेकर आया, फोन लेकर आया? जी, पुलिस लेकर आई। फिर हमें यहाँ पे पुलिस लेकर आई, तीसरी गाड़ी पुलिस की पहुँची है, वो हमें लेकर आई। पहले 100 नंबर से बात की बीच की गाड़ी जो चाकू मारने वाला कौन व्यक्ति था? चाकू मारने वाला जमशेद अब्बास इकबाल, ये इस तरह के लोग थे चारों भैया। इकबाल हा, बासा, जमशेद था, एक इनका लड़का था। इन्होंने हमें इस तरह से चाकू मारा। बहुत इनके साथ में आदमी बहुत काफी थे, बहुत रेज की इनके साथ में लेडीज थे, इन्होंने बहुत बुरी तरह से मार डाला। ग्राम ललियाना में कुछ पैसों के विवाद और सब्सिक्वेंटली उसको लेकर मकान पर कब्जे को हुए विवाद में कल चाकू चलने की सूचना आई है, जिसमें कुछ महिलाओं को ऐसा कहा जा रहा है कि चाकू लगे हैं। इसमें तहरीर ले ली गई है, आवश्यक गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और मेडिकल भी करा लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।